अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। आज हम अपने लाइब्रेरी साइंस के नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो है हमारे चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजिंग बुक्स ऑन शेल्फ्स, के शेल्फ्स पर हम किताबें जो हैं वो किस तरीके से तरतीब देते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तरीके का नाम है क्लासिकल मेथड और दूसरा जो है वो है मॉडर्न मेथड और न्यू क्लासिकल मेथड। जो पुराने ज़माने में तरीका इस्तेमाल होता था अक्सर वो क्लासिकल मेथड था, और आजकल जो जदीद तरीका है वो है न्यू क्लासिकल मेथड। जो है हम आज क्लासिकल मेथड पढ़ेंगे। क्लासिकल मेथड जो है इसके आगे से डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइज़ के हिसाब से। इस तरीके में कुतब और मवाद को उनके साइज़ के हिसाब से तरतीब दिया जाता है। इस तरीके से गैर मियारी साइज़ की कुतब को आसानी के साथ इस किस्म की तरतीब से शेल्फ पर रखा जाता है। सिकंदरिया लाइब्रेरी जो है वो साइज़ के हिसाब से तरतीब दी गई थी। सिकंदरिया लाइब्रेरी जो काली मार्क्स था उसने साइज़ के हिसाब से अपनी लाइब्रेरी को, सिकंदरिया लाइब्रेरी को तरतीब दिया था। फिर आ गया कलर के हिसाब से। इसमें जो बाइंडिंग का बुक्स का कलर होगा उसके हिसाब से बुक्स को तरतीब दिया जाता है। मतलब रेड एक साइड पे आ जाएंगी, ग्रीन एक साइड पे आ जाएंगी, ब्लैक एक साइड पे आ जाएंगी। इस तरह की किताबें आमतौर पर चिल्ड्रन लाइब्रेरी में भी बाज़ दफ़ा कलर के हिसाब से बुक्स जो हैं उनको तरतीब दिया जाता है। तो जिस हिसाब से जो है, फ़र्ज़ करें एक वन क्लास का कलर जो है वो ग्रीन रखा गया है, प्री क्लास का, प्री नर्सरी का कलर रेड है, एक का कलर ब्लू है, तो वो बाइंडिंग इस तरह की कर लेते हैं या उनके ऊपर शीट्स इस तरह की चढ़ा लेते हैं कि वो एक कलर की बुक्स होंगी तो वो उनको एक जगह पे तरतीब दे देंगे उस हिसाब से। तो लेकिन ये इतनी बड़ी लाइब्रेरीज में इतनी फ़ायदेमंद नहीं है, तो बाइंडिंग कलर के हिसाब से उनको इस तरह तरतीब देते हैं। फिर आ गया बाय ऑथर। इसमें हर मुसन्निफ़ की कुतब को एक जगह मुसन्निफ़ीन के नामों के हिसाब से हरूफ तहजी के अतबार से इकट्ठा किया जाता है। गरचे ये तरतीब कुछ बेहतर है लेकिन इसकी इफादियत काफ़ी महदूद है। इससे ये, इसका एक ये फ़ायदा है कि एक मुसन्निफ़ की मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो बुक्स हैं वो सारी एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब ये कि अगर मुस्तंज़र हुसैन ताडर की बुक्स हमने इकट्ठी की हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकली जब हम करेंगे तो वो मीम में आएगा, मुस्तंज़र हुसैन ताडर, और मीम में उसका सफ़रनामे, उसके अफसाने, उसके नावल सारी एक ही जगह आ जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि एक मुसन्निफ की किताबें एक ही जगह आ जाती हैं, लेकिन इससे जो है इसकी इफादियत कुछ इस तरह से कम हो जाती है कि अक्सर लोगों को राइटर नहीं पता होता, सब्जेक्ट पता होता है, तो वो राइटर के हिसाब से जब बुक्स देखने आएंगे तो उनको फ़ायदा है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट के हिसाब से बुक को तलाश करना चाहें तो वो उनके लिए मुश्किल है। फिर आ गया हमारा बाय टाइटल, उनवान के हिसाब से किताबें। इसमें किताबों की तरतीब उनके उनवान के तहत हरूफ तहजी के तहत की जाती है। इससे कायरीन की बड़ी तादाद मुस्तफीद होती है। कुछ कायरीन किताब को उनवान के तहत देखना पसंद करते हैं, जैसे असासे लाइब्रेरी साइंस, बुनियादी मौशियात, मेडिकल साइंस, मखज़न मौशियात। लेकिन इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट की किताबें मुख्तलिफ जगह बिखर जाती हैं, और दूसरा ये कि फ़र्ज़ करें कि अब लाइब्रेरी साइंस की किताब किसी ने ढूंढनी है तो किताब का नाम है असासे लाइब्रेरी साइंस, तो वो तो अलिफ में चली जाएगी, लाम में तो नहीं जाएगी। तो किसी को असासे लाइब्रेरी साइंस पूरा उसका सब्जेक्ट टाइटल पता है तो वो उसको ढूंढ सकता है। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा ये नुकसानदेह होता है कि इसकी अफादियत काफ़ी कम हो जाती है। आज हम जो है अपना इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी हम जो है ना वो कल पढ़ेंगे। अल्लाह आपके वक्त में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।